हेलो दोस्तों, वादल खान कुकिंग में स्वागत है आपका। आज मैं लेके आया हूँ एक न्यू रेसिपी, जो सज्जन के सब्जी की रेसिपी, और बेहद लजीज और बेहद टेस्ट बनने वाला है, और बिल्कुल एकदम इजीली बनने वाला है रेसिपी। हमारा हर रेसिपी इजीली बनाता हूँ, इसलिए कि आप आराम से बना सकते हैं घर पे और आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपके दोस्तों को शेयर करो। देखिए, मैंने हाफ के जी सज्जन लिया है, और सज्जन को हमने छोटे टुकड़े में कट करना है। बिल्कुल इस तरह से टुकड़े में कट कर लेना है, अच्छी तरह से साफ़ करना है, साफ़ करके कट कर लेना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से मैंने कट कर लिया है सज्जन के सब्जी को। और क्या करना है, हमें एक कढ़ाई लेना है, छोटा सा कढ़ाई हो, या आपके पास कोई फ्राई पैन है तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है 100 ग्राम, और इसमें ऐड करेंगे हम तड़का। तड़का हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, और इसमें हम रेड चिल्ली ड्राई वाला ऐड करेंगे 4 से 5, और इसमें हम ऐड करेंगे हल्का से साबित जीरा, और इसमें कैरी लिप्स थोड़ा सा ऐड करके हम इसको हल्का सा गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद हमें क्या करना है, लहसुन की कलियां मैंने कुछ छेंच के रखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से छेंच लेना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से इसे हल्का सा छेंच के रख के ऐड कर लेना है। यह हल्का सा पकने के बाद में क्या करना है, हमें 2 चॉपिंग ऑनियन लिया है, एकदम बारीक से कटा हुआ ऑनियन, उसको ऐड करके अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से हम फ्राई करेंगे। प्याज का जो कलर होता है वो हल्का ब्राउन आ जाएगा। देखिए, प्याज का कलर ब्राउन आ चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। बिल्कुल जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ऐड करने के बाद में 1 से 2 मिनट तक स्लो स्टीम में पकाना है। पका के फिर इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है मसाला। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है सॉल्ट, और 1 टेबल स्पून ऐड करना है इसमें लाल तीखी मिर्ची की पाउडर, और आधा टेबल स्पून इसमें ऐड करना है जीरा पाउडर, और आधा टेबल स्पून इसमें ऐड करना है धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर, और 1/4 ऐड करना है इसमें हल्दी पाउडर। बिल्कुल इस तरह से देखिए कलर आ जाएगा इसका, हल्का सा इसको पकाना है। फिर इसमें क्या करना है, ऐड करना है हमें टमाटो। मैंने 3 बड़ी साइज़ की टमाटर कट करके चॉपिंग करके रखा है, आपको कटिंग नहीं दिखा पाया इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से अब इसमें ऐड कर लेना है, ऐड करके हम 2 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम में पकाना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से पकाना है, आपको वन बाई वन बताता हूँ, क्योंकि आप आराम से घर पे बना सकते हैं। और इस तरह से एक बार ट्राई करके देखना, बना के ज़बरदस्त होता है और बेहद लजीज टेस्ट होता है। आप राइस के साथ में खा सकते हैं, आप इसको यानी कि बघारे राइस के साथ में खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ में खा सकते हैं। देखिए, फिर इसमें ऐड करना है सजन। सजन को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है सब्जी के साथ में। देखिए, बिल्कुल इस तरह से मिला लेना है। बिल्कुल इसको 1 से 2 मिनट मिला लेना है, इस तरह से अच्छे से मिला लिया तो मसाला जो होता है पूरा इसमें मिल जाएगा। फिर हमें जितना पानी चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पानी चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा पानी चाहिए तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें चावल के साथ में खाना है, इसलिए मैंने 1/2 लीटर पानी ऐड किया है। अब इसको कवर करके छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए, एकदम स्लो फ्लेम में ही पकाना है। देखिए, बिल्कुल ये अब जो है अच्छी तरह से पक चुका है। अब हल्का सा इसको देखेंगे मिला के, देखिए बिल्कुल इस तरह से मिला के देख लेना है। अब और कुछ देर इसको पकाएंगे, अब एक पीस हम उठा के देखेंगे ये गला नहीं गला। देखिए, बिल्कुल गल चुका है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। आप लोग भी ट्राई करके देखना, और मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों के दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स।